बढ़ते अगली खबर की ओर। अवंती विहार एवं आसपास के करीब 20 कॉलोनियों में विगत 15 दिनों से लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में आज छत्तीसगढ़ संगवारी संघर्ष समिति के द्वारा खम्हाडी स्थित बिजली ऑफिस का घेराव कर अधीक्षक यंत्री शंकर नगर जोन प्रशांत कुमार को ज्ञापन सौंप कर तत्काल बिजली कटौती बंद करने की चेतावनी देते हुए 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया है। समिति के अध्यक्ष राजकुमार राठी ने कहा कि यदि 24 घंटे में बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर कटौती बंद नहीं की गई तो बिजली यंत्री भूपेश बघेल का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कार्यालय के समक्ष पुतला दहन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख रूप से मंजुल मयंक श्रीवास्तव पार्षद, रोहित साहू छाया पार्षद, विलास सुतार, जितेंद्र नाग, अशोक गुप्ता, प्रेम टंडन सहित समस्त समिति के लोग शामिल हुए। देखिए, मैं समझता हूँ पूरी जो 8-10 कॉलोनी है, अवंती विहार है, जीवन विहार है, विजय नगर है, गायत्री नगर है, गीतांजलि नगर है, कविता नगर है, खम्हाडी है, लगातार इस क्षेत्र में 15 दिनों से बिजली की कटौती हो रही है, ना तो कोई सूचना आ रही है। और बड़े दुर्भाग्य की बात, हिंदुओं का इतना बड़ा त्यौहार दशहरा था, दशहरे के दिन भी शाम को बिना सूचना के बिजली बंद हुई। उसके बाद कल मेंटेनेंस के नाम पर इन्होंने 5-6 घंटा बिजली बंद किया, और जब मेंटेनेंस हो गया उसके बाद आज सुबह फिर 7:40 में लाइट गई, 8:20 को आई। मैंने यहाँ के AE प्रशांत जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है। मैंने कहा कि आप हम जो बिजली बिल भरते हैं उससे आपकी तनख्वाह बनती है, आप पब्लिक सर्वेंट है, आपको जानकारी में होना चाहिए, आपकी जानकारी में क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा राठी जी मैं जानकारी में लेता हूँ, लेकिन उसके बाद और 2 बार लाइट गई, 11:40 को फिर लाइट गई, फिर 12:05 को फिर लाइट गई। लगातार बिजली कटौती हो रही है, क्षेत्र के लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई आजकल कोरोना के कारण हो रही है, और लैपटॉप और जब तक मोबाइल चार्ज नहीं होगा तब तक उससे ऑनलाइन पढ़ाई होने में बच्चों को दिक्कत हो रही है। इस बात की इलेक्ट्रिक बोर्ड को चिंता नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो उस समय कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी तो बिजली बिल हाफ करेंगे। बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ, बिजली हाफ कर दिया इन्होंने, अब वास्तव में बिजली बिल कम आ रहा है क्योंकि लाइट हम लोग को मिल नहीं रही है। और पूरे देश में मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सरप्लस बिजली वाला प्रदेश माना जाता था, 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी। आज छत्तीसगढ़ के बारे में आप बिहार और लोग जो है उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहे हैं, दिल्ली से और यहाँ वहाँ से हमारे जो रिश्तेदार आते थे कि गर्मी में छत्तीसगढ़ में बिजली की कटौती नहीं होती, अच्छी लाइट मिलेगी, अच्छे हम लोग जो है AC में सोएंगे, तो वो लोग भी अब कहने लगे कि अब छत्तीसगढ़ आपके रायपुर राजधानी आके क्या करेंगे, आपके यहाँ तो झारखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह बिजली कटौती हो रही है। तो मुझे लगता है एक अच्छा संदेश छत्तीसगढ़ से नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री जी बिजली मंत्री भी हैं, उनको इस बात की चिंता करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की छवि पूरे देश में ख़राब हो रही है और यहाँ के लोगों को भी परेशानी हो रही है। आज हम लोगों ने प्रशांत जी को ज्ञापन दिया AE को, और उनसे 72 घंटे का हम लोगों ने समय दिया है, 72 घंटे में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो इन अधिकारियों के कारण मुझे भूपेश बघेल जी का पुतला जलाना पड़ेगा। 72 घंटे का हम चेतावनी दिए हैं, उसके बाद पुतला दहन भी करेंगे, उसके बाद इस कार्यालय का घेराव भी करेंगे, और जिस स्तर तक जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन क्षेत्र के नागरिकों को 24 घंटा बिजली जो इनका कमिटमेंट था वो दिलवा के रहेंगे। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोरला।